इन दोनों बॉलीवुड की कई आने वाली बड़ी फिल्मों को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं अब संजय दत्त की आने वाली फिल्म भी शामिल हो गई है। संजय दत्त काफी समय के बाद प्रोडक्शन में अपना हाथ आजमाने के लिए फिर से तैयार है। ये फिल्म एक तेलुगु फिल्म प्रस्थानम की रीमेक होगी, जिसका नाम हिंदी में भी प्रस्थानम ही रखने की बात चल रही है। तेलुगु फिल्म को डायरेक्टर देवा कट्टा ने डायरेक्ट किया था और मजेदार बात यह है कि हिंदी रीमेक को भी वही डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में संजय दत्त लीड रोल में नजर आएंगे, वहीं उनके साथ अली फजल और मायरा दस्तूर नजर आने वाली हैं। अली फजल हाल ही में फिल्म फुकरे 2 में नजर आए थे। वहीं एक्ट्रेस मायरा दस्तूर की बात करें तो वह साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं बना पाई है। वे अब तक लगभग 4 बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वहीं अब संजय दत्त की फिल्म मायरा के लिए वाकई बड़ा मौका साबित हो सकता है। अमायरा फिल्मों के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी हॉट तस्वीरों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।